मैं बधाई दूंगी पूरे प्रोडक्शन के लिए। आज हम लोगों ने एल्बम का टाइटल सॉन्ग किया है धड़कन भी तू, जिसका बहुत अच्छा म्यूजिक किया है हमारे दामोदर जी, दामोदर राव जी ने, और इसको कंपो लिरिक्स पैन किया है और सिंगिंग भी ड्यूट सॉन्ग है तो मेल सिंगिंग अभय जी इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा। और मैं शहनवाज और अभय जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और अविनाश जी के स्टूडियो में हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया है, विच इज ब्यूटिफुल सॉन्ग। गाना तो याद नहीं होगा आपको? याद है मुझे थोड़ा थोड़ा, एक लाइन गुनगुना सकता हूँ। जी रोमांटिक सॉन्ग होते तो ये जानना चाहेंगे किस तरह का गाना है। दिस इज जिस तरह से गाने चल रहे हैं आज उसके मुताबिक गाना लिया है। वैसे दामोदर जी के साथ आप ही बता सकते हैं कितने गाने, मुझे तो पता भी नहीं कितने गाने के, बहुत गाने के और हर टाइप के गाने किए। ये अभय जी की हम बात करें तो ये कुछ है, मतलब एक ही दो शायद इन्होंने एल्बम किया होगा, तो इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपके साथ पहला एल्बम मैं कर रही हूँ और इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बस मैं चाहूंगी कि आगे भी आपके साथ काम करूं। बहुत अच्छा लगा और एक बार शुभकामनाएं देंगे इनको, अभय जी को। मैं मेरी तो बेस्ट विशेस हमेशा से रहती हैं और यही दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये एल्बम सक्सेसफुल रहे, लोगों को बहुत पसंद आए और आगे भी आप एल्बम्स और रोमांटिक मूवीज भी बनाएं, ऐसी मेरी ख्वाहिश और आपके लिए शुभकामनाएं। जी हम दामोदर सर आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आप तो अक्सर करते ही रहते हैं सॉन्ग, तो ये कितना अलग होगा आपके और सॉन्ग से? सबसे पहले तो मैं दामोदर राव आप सभी देशवासियों को, सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज इस साल का 31st यस आखिरी दिन है, हम लोग 2017 को अलविदा कहने जा रहे हैं और कल 2018 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना, और पुराने साल में कुछ त्रुटियां हुई हो, कुछ गलतियां हुई हो, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। नए साल में नई उम्मीदें, नई सोच, नई कुछ अलग हट के प्लान करके जिया जाए, कुछ बनाया जाए, कुछ अलग हट के काम किया जाए जिससे देश का नाम रोशन हो। तो आज बहुत ही सुंदर ये गाना खुशबू जैन जी ने गाई, ये गाती ही अच्छी हैं और हमारे साथ इनका गाना तो सैकड़ों हजारों में भी हो सकता है शायद, आप बनाते ही ध्यान ही नहीं है। और खासकर आज का गाना जो है ये 90 के दशक का नहीं है, ये आज के जेनर के लिए है, क्योंकि हमारा तो सोच, हमारी सोच तो अक्सर मेलोडियस ज़्यादा होता है, लेकिन आज का मेलोडी जो है उसके जैसा आज का गाना था। तो खुशबू जैन एक ऐसा नाम है फिल्म जगत में कि हमारे लेवल के हिसाब से तो ये श्रेया घोषाल हैं, ये सुनिधि चौहान हैं, केवल एक बस बाजी की ज़रूरत है, फिर तो लगता है नहीं कि फिर हम लोग इस तरह मुलाकात हो पाएगा क्योंकि आवाज़ में वो सब चीज़ें हैं जो एक पार्श्व सिंगिंग के लिए, गायकी के लिए चाहिए। तो यह है खुशबू जैन, और आज लगभग 10 साल से हम लोग का गाना चल रहा है साथ में, और ईश्वर करे कि ये अगर आगे बढ़े तो इनके साथ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कदम, प्रभु का आशीर्वाद तो आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। इसमें अभय देव का लिखा हुआ ये गाना है और गा भी रहे हैं, और शहनवाज खान हैं इसके प्रोड्यूसर, इस एल्बम के हैं। धड़कन भी तू बहुत ही सुंदर हिंदी एल्बम है, और बहुत ही खुशी का दिन है आज की, आज जाते जाते इस साल ने फिर रिकॉर्डिंग, आज यहाँ वेव एंड फ्रेम स्टूडियो मुंबई में आज रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत ही सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ खुशबू जैन जी की आवाज़ में, और साथ में इसको अभय देव भी गाएंगे जिन्होंने लिखा है और वो शहनवाज खान ने। तो बस हमारी भी शुभकामना है इन लोगों के लिए और खुशबू जैन जी के लिए कि हमारी शुभकामना है कि आगे बढ़े, और ये यादगार दिन होगा 2017 के लिए कि 31st के दिन भी हम लोग संगीत से जुड़े रहें, और शायद कल भी रिकॉर्डिंग होगा, इनका शो भी है, तो ये संगीतमय जिंदगी चलती रहे और लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। तो चलिए एक बार फिर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आप सभी के लिए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, वेलकम 2018। अभय जी आपसे जानना चाहेंगे आप कितने उत्साहित हैं आज खुशबू जी के साथ आप गाना कर रहे हो, तो क्या फीलिंग है आप बताएं? फीलिंग गुड, मैम के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, मैम की आवाज मैंने सुना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैम का आवाज बहुत अच्छा है, बहुत मेलोडी गाना है और मैम ने गाया इसे, मैं अपना खुश
वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ मैम ने इस गाने को गाया है। मतलब कुछ नया सुनने को मिलेगा आपकी आवाज में और मैंने दो एल्बम अभी तक किया है उसमें नया ही गाना था सब में, और इस उससे हटके पूरा गाना है, तो ये प्योर नया ही है, नया गाना है जैसे मैम ने गाया। शहनवाज जी आप बताओ, मैं प्रोड्यूस कर रहे हो गाने को और प्रोड्यूसर साहब आज आए नहीं, तो राजदेव प्रोड्यूसर जी, प्रोड्यूसर साहब आज नहीं आए, बट माय नेम इज शहनवाज खान, मैं एक सिंगर हूँ। बट मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, ऐसी महसूस हो रहा है कि किसी अच्छे लोग के साथ, और भी अच्छे लोगों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशबू जैन के साथ काम करके मुझे बहुत 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 हैप्पी हूँ, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा कुछ फीलिंग हो रही है कि मैं श्रेया घोषाल के साथ काम कर, श्रेया घोषाल या तो फिर नेहा कक्कर के साथ काम करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील हो रही है। बट वेरी गुड, बहुत अच्छा आवाज है। मैम के साथ हम लोग पहले से प्लान कर रहे थे, तो अभी सर को बोले थे तो इस एल्बम में करने के लिए, तो चाहिए। इससे पहले हम काम कर चुके हैं, जिंदगी में रहना तुम, जब से दस्तक तू दिल में दी, दो एल्बम मेरा आ चुका है, बट फीमेल नहीं था। अभी मैं फीमेल मैम के साथ करने जा रहे हैं, अच्छी आवाज़ है मैम को, बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी, आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर जैसे कि